लाउंज में कुलजीत कवर के पास अनुजीत बैठा हुआ था और दूसरे सोफे पर हरप्रीत थी। चाय लग चुकी थी और एक तीसरे सोफे पर मैं बैठ गया तो हरप्रीत चाय बनाने लगी। जब वो चाय सर्व कर चुकी और सोफे पर बैठ गई तब कुलजीत कवर ने जसपाल की तरफ देखकर दर्द भरे लहजे में कहा, पुत्र अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी तुम लोगों से विनती है। ऐसी क्या बात है पुप्पो, उसे तेजी से पूछा। हालांकि वो समझ गया था कि जब माएं ऐसी जज्बाती बातें शुरू कर दें तो असल में मुद्दा क्या होता है। मैंने जिंदगी में दुख भी बहुत देखे और रब जी ने गुरु महाराज की कृपा से सुख भी बहुत दिए हैं। बस अब तो फर्ज निभाना बाकी रह गया है। अब तुम सबको शादी कर लेनी चाहिए। बस तो कर दें, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? इन दोनों के लिए कोई लड़का कोई लड़की देखा? जसपाल ने कहा। मैंने अनुजीत के लिए लड़की देख ली है, बड़ी सुंदर है, और हरप्रीत के लिए भी एक लड़का है नजर में। ये कहकर उसने जसपाल का चेहरा देखा ताकि उसका रद्देमल जा सके। कोई रद्देमल ना देखकर वो बोली, अगर तुम्हारी कोई मर्जी है तो मुझे बताओ, कुलजीत कंवर ने कहा और खामोश हो गई। तभी अनुजीत बोला, जैसे आपकी मर्जी बेवे जी, जब दिल चाहे दिन रख लें। और तुम क्या कहते हो पुत्र? कुलजीत कंवर ने जसपाल की तरफ देखकर पूछा। जो अनुजीत ने कहा है, लेकिन अभी मैं अमृतसर जा रहा हूं वापसी पे। वो बोला तो हरप्रीत ने उसकी बात काटते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, दोनों इधर रहेंगे। ना वो चंडीगढ़ जाएगा ना तुम अमृतसर, ये काम खत्म करके ही जाएंगे। जैसे तुम्हारा हुक्म, जसपाल ने हंसते हुए कहा। तो वो उठते हुए बोली, मैं जरा ज्योति को डिनर के बारे में बता दूं। हरप्रीत उठकर अंदर चलेगी तो कुलजीत कंवर ने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, वैसे तो तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता, कल वो लड़की के साथ तुम्हें देखने आ रहे हैं। तुम जानते ही हो ना, भूपिंदर सिंह ब्रॉड की बेटी है, वो कल डिनर हमारे साथ करेंगे। ठीक है बेबे जी, जैसे आप चाहें, अनुजीत ने कहा और उठ गया। भूपिंदर सिंह बरार साथी के गांव का रसूलपुर कलां का एक बड़ा जमींदार होने के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी था। पूरे पंजाब के अलावा लंदन में भी उसका कारोबार था। वो सब उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे। जसपाल की समझ में तो नहीं आ रहा था वो इस मौके पर क्या कहे। वो अपना फैसला तो हरप्रीत को सुना चुका था, उसने भी कोई रद्देमल नहीं दिखाया था, सो वो खामोश हो गया। जसपाल सिंह दोबारा ऊपर वाले कमरे के बाहर बने शेड पर पड़ी कुर्सी पर आन बैठा। शाम होने को थी। उसका जहन कल हरमिंदर में होने वाले दंगे की तरफ था। वो किसी सूरत भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो जाए। उसे अमृतसर में मौजूद अपने लोगों को इस बारे में अलर्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक किसी का जवाब नहीं आया था और ना ही वानिता कंवर ने किसी के मुतल्लिक कोई बात की थी। एक खामोशी थी जिसकी वजह से जसपाल परेशान हो रहा था। वो खुद राबता करके किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो हाथ में सेलफोन पकड़े सोचू में गुम था। ऐसे में जमाल का फोन आ गया। उसने कोडवर्ड में यही बताया कि अपनी मेल देखो। वो उठा और अपने लैपटॉप तक जा पहुंचा। उस मेल में पूरी तफसील लिखी हुई थी कि दिल्ली हेडक्वार्टर से राह के तीन एजेंट अमृतसर पहुंच जाने वाले थे। उन्होंने पाकिस्तान आना था। वो तीनों ही सिखों का रूप धारे हुए थे और ट्रेन के जरिए ननकाना साहब जाना था। उनमें से एक का असल नाम रोहन कुमार जो कर्नाटक से था, दूसरा बंकाटर जो मध्य प्रदेश का रहने वाला था, और तीसरा अविनाश चोपड़ा जो जोधपुर से ताल्लुक रखता था। इन तीनों को मेजर कुंवर राठौर नामी ऑफिसर ने सरहद पार का टास्क दिया था। खास तौर पर इन्हें इसलिए चुना गया था कि ये तीनों पहले भी सिखों के खिलाफ काम कर चुके थे और इन्होंने सिखों का रूप ही धारा इसलिए था कि वो उन्हीं में से बनकर न सिर्फ अंदर की बातें मालूम करें बल्कि जहां कहीं भी इन्हें शक पड़े कि कोई खालिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाला सिंह मौजूद है, उसका खात्मा करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी। और उन्होंने ये किया। उन्होंने कल का एक दिन हरमिंदर साहब में गुजारना था और कल शाम ही अटारी से निकलना था। उन्होंने ननकाना साहब जाना था, उसके बाद ननकाना में रहने के बजाय लाहौर में आके गुम हो जाना था। यहां उन्होंने मुस्लिम मकामात पर बम धमाके करवाने थे, अगर कोई पकड़ा जाता तो उसने खुदकुशी करना थी, वरना इसी तरह सिख यात्री बनकर वापस भारत लौट जाना था। इन तीनों की तस्वीरें दस्तयाब नहीं हो पाई थी लेकिन मिल जाने की उम्मीद थी।
सब कुछ पढ़ने के बाद जसपाल सिंह चौंक गया। कल हरमिंदर साहब में हसूसी तौर पर रखा गया अरदास और इन तीनों की वहां आमद, ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता था। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी जो यहां के किसी ताकतवर बंदे की मदद से ही हो सकता था, दूसरी हुकूमत हो सकती थी। जसपाल सिंह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था, वो इन्हें हर हाल में पकड़ लेना चाहता था। उसने वानिता से राब्ता किया, उसे अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसने अमृतसर आने का कहा और उठकर तैयार होने लगा। इस दौरान उसने अमृतसर के हेडक्वार्टर इतला दे दी कि वो पहुंच रहा है। उसी वक्त सूरज मगर भी उपक में डूबने को तैयार था। जब जसपाल सिंह तैयार होकर लॉन्ज में आया, सामने ही सोफे पर अनुजीत सिंह और कुलजीत कंवर बैठे हुए थे। उसने सुकून का सांस लिया कि उसका सामना हरप्रीत कंवर से नहीं हुआ। वो कुलजीत कंवर के पास जा बैठा और सुकून से कहा, पुप्पो जी, मैं जरा अमृतसर जा रहा हूं, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। उसके यूं कहने पर अनुजीत समेत कुलजीत कंवर ने चौंक कर देखा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर एक तवील सांस लेकर बोली, ठीक है पुत्र, जैसे तुम चाहो। ठीक है, फिर मैं चलता हूं, सत श्री अकाल, वो हाथ जोड़कर फतह बुलाते हुए बोला। सत श्री अकाल पुत्र, वाह गुरु का हालसा, वाह गुरु की जी फतह, कुलजीत कंवर ने कहा। तो अनुजीत खामोश बैठा उसकी तरफ देखता रहा। जसपाल ने जब बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए तो वो लपक कर उसके पीछे गया और पूछा, भाई जी ये अचानक? अचानक नहीं है छोटे, तू फिक्र न कर, मैं कल अपनी भाभी यहां आकर जरूर देखूंगा। उसने अनुजीत का कांधा थपथपाया और पोर्च में खड़ी फोर व्हील में जा बैठा। आधे घंटे से भी कम वक्त में वो जालंधर शहर जा पहुंचा। उसे अच्छी तरह पता था कि यहां निकलते ही उसकी निगरानी शुरू हो गई होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह अनुजीत का यहां होना था। खुफिया वाले कभी भी उसे यूं नहीं छोड़ सकते थे। जसपाल सिंह सीधा मेन रोड जा निकला। वहां उसने फोर व्हील पार्क की और बड़े इत्मीनान से माल में चला गया। वहां वो खरीदारी के बहाने दाखिल हुआ और चीजें देखने लगा। जैसे ही उसके सेल पर बाहर खड़ी गाड़ी का नंबर आया, वो दूसरी जानब निकल गया। सामने ही स्याह रंग की हुंडाई खड़ी थी, वो इसमें जा बैठा। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार भगा दी, वो जालंधर से निकलता चला गया। जिस वक्त वो अमृतसर के मसाफात में पहुंचा तो रात का पहला पहर खत्म होने को था। इसी दौरान उसे इन तीनों की असल तस्वीरें उन तक पहुंच गई थी जो उसने आगे भेज दी थी। वो सुल्तान विंद भाई से गुजरकर दाएं हाथ पर मौजूद राजेंद्र कॉलोनी की जाने बुढ़ गया। वहीं एक घर में उसके नेटवर्क का हेडक्वार्टर हेड इंतजार कर रहा था। अगले 10 मिनट में वो वहां जा पहुंचा। वहां हेड के साथ दो मजीद लोग थे, वो इसी नेटवर्क का हिस्सा थे। उन्होंने मेज पर कागज फैलाए हुए थे जिसमें एक सिख लड़का पेंसिल से तेजी के साथ तस्वीर बना रहा था। किसी हद तक उनकी तस्वीरें बनाई हैं। हेड ने एक तस्वीर उठाकर उसे दिखाते हुए कहा, वो पहले उनकी असल तस्वीर देख चुका था, अब इनमें रोहन कुमार सिख के रूप में था। हाँ, इसी से कुछ अंदाजा तो हो जाएगा, लेकिन वो किस तरह के होंगे ये हतमी तो नहीं कहा जा सकता। हमें सिर्फ इन तस्वीरों पर इन्हासार नहीं करना है, जसपाल ने उनकी तरफ देखकर कहा। हाँ ये तो है, खैर ये सुबह तक मोस्टली पोज बना देंगे जिसे समझने में आसानी होगी। अब हमें अजीत नगर चलना है, वहीं बाकी दोस्त भी हैं, हेड ने कहा। तो वो वहां से हेड के साथ निकल पड़ा। अजीत नगर हरमिंदर साहब के शमाल में था। वही पुरानी गलियां, छोटी छोटी सी बलदार जो किसी प्लानिंग के तहत नहीं बनाई जाती। इन गलियों में बमुश्किल छोटी गाड़ी जा सकती थी। उसने अपनी फोर व्हील इन गलियों के बाहर ही रोक दी। तभी एक नौजवान आगे बढ़ा तो हेड ने जसपाल से पूछा, हम यहां क्यों आए हैं? जसपाल ने पूछा, इसलिए कि यहां इर्द गिर्द से कुछ लोग आए हुए हैं, आप इन्हें ब्रीफ कर दें। जाहिर है उन्हें बताना तो होगा कि क्या करना है, हेड ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, जसपाल समझ गया। चाबी इग्निशन में ही रहने दे, ये लड़का संभाल लेगा, हेड ने कहा। तो वो दोनों चलते हुए उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घुस गए। वो एक पुरानी तर्ज के मकान में दाखिल हो गए जो अंदर से काफी गुंजलिक था। काफी सारे कमरों में से वो एक कमरे में दाखिल हो गए जो काफी कुशादा था
वहां कालीन बिछा हुआ था और उन पर मैट्रेस पड़े थे। 5 सिख नौजवान वहां बैठे हुए थे, उन्हें देखते ही खड़े हो गए और साथ में ही फतह बुलाई। वाह गुरुजी का हालसा और वाह गुरुजी की फतह। भाइयों में यहां बैठने नहीं आया, हम अभी यहां से निकलेंगे। मेरी अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक वो तीनों यहां अमृतसर में पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, जब तक पूरी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक उन पर हाथ नहीं डालना है। दूसरी बात, पूरी तसल्ली करने के बाद भी हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि जिंदा ही रहें। उनके अंदर से बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि ये सिक्खी का रूप धाकर आने वाले हिंदू बनिए कितना सिक्खी को नुकसान पहुंचा सके हैं, कम अज कम इसका अंदाजा तो हो। जसपाल ने खड़े खड़े कहा, इसके अलावा कोई मजीद बात? उनमें से एक ने कहा, सारी बात आपके ये जत्थेदार ही आपको बताएंगे, यही आपको हुक्म देंगे, आपके सब कुछ यही है। जसपाल ने कहा और पलटकर हेड से कहा, मेरा ख्याल है कि अब मैं चलूं, हमारा राबता रहेगा। जी बिल्कुल, हेड ने कहा। तो वो दोनों उस कमरे से निकले और फिर बाहर की जानब चल पड़े, गलियों से निकलकर गाड़ी तक आए। वहीं से उनके रास्ते जुदा हो गए थे। जसपाल सिंह का रुख हवेली के बजाय जाने की बजाय उस पॉइंट की तरफ था जहां वनीता गुवर उसका इंतजार कर रही थी। वो अमृतसर के महंगे रेस्टोरेंट में से एक था। उसे गाड़ी पार्क की और अंदर चला गया। धीमी धीमी मौसीकी में हल्की रोशनी में लोग बैठे हुए थे। एक टेबल पर उसे वनीता गुवर के साथ नौतन गुवर और गुरलीन गुवर भी दिखाई दी। वो उस तरफ चला गया। उसे जाते ही फतह बुलाई, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोगों का सेटअप पूरा नहीं है। तुम संदीप की बात कर रहे हो? नौतन ने पूछा तो उसने असबात में सर हिला दिया, जिस पर वो बोली, वो जालिंदर में है। क्या करने? उसने पूछा। हमने फैसला किया है कि यहां उसी तर्ज का एक इदारा बनाए जैसा वो संदीप कुंवर का था, सिर्फ लड़कियों के लिए। जाहिर है वहां तालीम के साथ साथ इन्हें बहुत कुछ सिखाया जाएगा। वो जो फार्म हाउस है वहां अब उसका टास्क उसे दे दिया है, अब वो वहीं रहेगी, वहीं काम करेगी। चलो ये अच्छा हुआ, अब जो मंगवाना है जल्दी से मंगवा लो, मुझे काम से जाना है, जसपाल ने आहिस्तगी से कहा। तो वनीता गुवर बोली, वो मैंने तुम्हारे फोन कॉल के बाद ही कह दिया था, अब बताओ करना क्या है। पहले तो इन्हें तलाश करना है और फिर जो भी उनके साथ होगा, उसने एहतसार से कहा। हमें क्या करना होगा? उसने पूछा। बस मेरे फोन का इंतजार, इससे पहले अपने कुछ आदमी अलर्ट रखो, बाकी मैं देख लूंगा, उसने जवाब दिया तो सर हिलाकर रह गई। तकरीबन एक घंटे के बाद वो सब वहां से निकले। रेस्टोरेंट में ही उनके रास्ते जुदा हो गए। उनका अंदाज ऐसे ही था जैसे वो सब मिलने मिलाने और खाने खाने इकट्ठे हुए हों। जसपाल सिंह वहां से सीधा हरमिंदर साहब चला गया। उसे पार्किंग में गाड़ी रोकी और सीधा हरमिंदर साहब की तरफ चला गया। वहां माथा टेकने और कुछ देर बैठे रहने के बाद वो कम्प्लेक्स की जानब चला गया। वो मेन गेट पर ही एक नौजवान उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे बड़े तपाक से मिला। वो दोनों चलते हुए हॉस्टल के उसी कमरे में आ गए जहां उसकी मुलाकात सरदार सरजीत सिंह बंदियाल से हुई थी। इस कमरे में बैठने का मतलब ये था कि वहां पर मौजूद नेटवर्क अलर्ट हो गया था। भाई जी, क्या लाऊं खाने पीने को? कुछ नहीं, तू बैठ मेरे पास। जी भाई जी, उसके सामने दोजानू हो गया जैसे वो कोई उसका बुजुर्ग हो। मैंने जो तुम्हें तस्वीरें भेजी थी, वो कह रहा था तो नौजवान जल्दी से बोला, अभी तक कोई नहीं आया यहां पर, चंद लोग पूरे हरमिंदर साहब में फिर रहे हैं, उन्हें भी मालूम है, कल के बारे में बड़ी टेंशन है, अब देखते हैं। कल के बारे में जो टेंशन है ना, उम्मीद है वो नहीं होगी, बस थोड़ी देर ठहर जा, फिर इसके बाद बात करते हैं इस बारे, जसपाल ने इंतहाई संजीदगी से कहा। तो नौजवान की आंखें चमक उठी। उसने तजस्सुर से पूछा, कोई हल निकल आया है इसका? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तो सियासी तौर पर उसे हल करने की कोशिश की जा रही है। हालसा के लोग हैं दरमियान में, वो मीटिंग जैसे ही खत्म हुई उसके बाद फोन आएगा। जसपाल ने उसे समझाया तो वो तेजी से बोला, मेरी इतला के मुताबिक सोरन सिंह ही इस सारी घटना का जिम्मेदार है और उसे वजीर आला की पूरी आशीर्वाद हासिल है। हाँ, बजाहिर ऐसा ही है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, तुम इसे छोड़ो,
ये मेरी सरदर्दी है। तुमने ये देखना है कि इन तीनों में से जो भी यहां दाखिल हो मुझे इतला दे दें। ठीक है भाई जी, ये कहते हुए वो उठ गया। उसने फील्डिंग पूरी कर ली थी। अब हालात क्या बनते हैं इस बारे में वो कोई कुछ नहीं कह सकता था। वो रात उसके लिए इस कदर भारी थी जिस तरह जिंदगी और मौत के दरमियान कोई बहुत बड़ी आजमाइश थी। नया पैराग्राफ। रात का दूसरा पहर चल रहा था। मैं जुनेद के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ तेजी से पीछे हटती हुई सड़क को देख रहा था। वो इंतहाई तेज रफ्तारी से कार बगाए चला जा रहा था और हमारा रुख लाहौर के पोश इलाके की तरफ था जहां वो सहाफी रहता था। हमारी मालूमात के मुताबिक वो चंद मिनट पहले ही घर आया था। सरमद वहां पहले से मौजूद था। इस वक्त वो घर के अंदर दाखिल होकर उसके सामने बैठा हुआ था। हमें अंत तक पहुंचने में इतना ज्यादा वक्त नहीं लगा। इंतहाई खामोशी से सरमद के लोगों ने घर को अपने कब्जे में ले लिया हुआ था। मैं जब उसके ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वो दोनों आमने सामने एक सोफे पर बैठे हुए थे। मेरे आते ही सरमद उठ गया तो मैंने उससे पूछा, कुछ बताया इसने? मैंने पूछा ही नहीं। वो बोला तो मैं उस सहाफी की तरफ चंद लम्हे देखता रहा, फिर कहा, जिंदगी चाहते हो या मौत? कौन हो तुम लोग और मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? उसने इंतहाई गुस्से में कहा। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। मैंने उसे कॉलर से पकड़ के उठा लिया। उसने झटके से मेरा हाथ हटाना चाहा तो मैंने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार की जानब उछाल दिया। वो धप से दीवार में लगा और दोहरा होकर वहीं गिर गया। मैंने उसे उठाया और फिर घुमाकर जोर से डाइनिंग टेबल की तरफ उछाल दिया। वो एक कुर्सी पर गिरा जो टूट गई। उसका सर टेबल में लगा जहां से खून बहने लगा। मैंने उसे फिर जा पकड़ा और तीसरी तरफ दीवार में मारा तो वो शोकेस में जा लगा जिसका शीशा छनाके से टूट गया। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। वो चीखने लगा। तभी मैंने उसको पकड़ा और जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, खामोश, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं। तुम मुझे मार, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, लेकिन मारने से दरेक भी नहीं करूंगा। जब तुम ही नहीं रहोगे तो करोगे क्या? मैंने कहा और एक घोंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। वो परे जा गिरा। तभी वो बोला, क्या चाहते हो? हाँ, ये हुई ना बात, बोलो आगे का प्लान क्या है? बता दोगे तो बच जाओगे, मैंने सुकून से कहा। कौन सा प्लान, क्या कह रहे हो? उसने ये कहा ही था कि मुझ पर जुनून सवार हो गया। मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने उसकी धनाई शुरू कर दी यहां तक कि वो बेहोश हो गया। सरमद जल्दी से आगे बढ़ा और उसने कुछ देर की कोशिश के बाद उसे होश दिलाया। वो खौफजदा हो गया। मैं जुनूनी अंदाज में कहता चला गया, वो तीन बंदे जो लाहौर में आ रहे हैं और जिसको तुम गाइड कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता वो क्या करने आ रहे हैं? उन्होंने जो बम ब्लास्ट करने हैं उनमें कितने बाप मर जाएंगे, कितने बच्चे यतीम होंगे, कितनी माएं नहीं रहेंगी। मैं भी तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने जलाता हूं, फिर तुम उनका दर्द महसूस करना और बताना कि तमाशा देखना कैसा लगता है। जाओ लाओ इसका एक बेटा और किचन में गैस खोल दो। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। जो कहोगे वही करूंगा, ये कहते हुए वो तड़प उठा था। तो बोलो, उसने कहा तो तेजी से कहने लगा, तुम्हें पता है यहां कैसी लड़ाई है? यहां ऐसे लोग तैयार कर दिए गए हैं जो यहां पर दोनों धड़ों के लोगों को कत्ल करेंगे और हम नाम उन दोनों धड़ों का लगाकर फसाद को मजीद भड़काएंगे। ये मुझे मालूम है, कोई नई बात बताओ। मैंने सुकून से कहा तो वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मेरे जिम्मे तो इतना ही है, आगे कुछ लोग हैं जो ये सब देखते हैं, नाम बताओ। वो सब डाटा मेरे लैपटॉप में है, मैं वो निकाल कर दे सकता हूं, उसने कहा। तब मेरे सामने जुनेद आ गया। उसके पास काफी कुछ था। तभी मैंने सहाफी से कहा, तो चलो फिर हमारे साथ। मैंने सरमद को इशारा किया, उसने असबात में सर हिला दिया। जब तक मैं बाहर निकला वो उसे उठाकर कार में डाल चुके थे। हमें सेफ हाउस तक पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा वक्त लग गया। सरमद तो जाते ही काम लग गया। वो लैपटॉप खोलकर शम्स और कमर के साथ रابطे में हो गया। वहीं अरविंद और फहीम थे। जुनेद अपने साथ हुए कागजात देखने लगा।
अगले 10 मिनट में चंद अहम नाम सामने आ गए जो यहाँ सहूलतकार ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश तैयार कर चुके थे। उनमें 2 नाम बहुत अहम थे, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और दूसरी सोशल वर्कर हातून थी। ये साजिश में बहुत फाल थे। मैंने इन्हें उठा लाने को कह दिया। बिजनेसमैन लाहौर करीब ही टाउन का था जबकि सोशल वर्कर हातून अभी तक अलामा इकबाल टाउन में रहती थी। मॉडल टाउन वाले को तो अभी लाया जा सकता था, अलामा इकबाल वाली टाउन वाली औरत को लाने में वक्त लगता। सहाफी को सिर्फ इतनी मालूमात थी कैसा होने जा रहा है, ये सब कैसे होगा और वो लोग कहां पर हैं, ये इसे बिल्कुल नहीं पता था। जैसे ही मुझे इस साजिश का पता लगा मेरी नींद उड़ चुकी थी। शायद इस बारे पता न चलता अगर इस सहाफी को ना टटोला जाता। मैंने चंद लम्हे सोचा और सफदर इस्माइल को फोन कर दिया। वो रात के दूसरे पहर भी जाग रहा था। जी फरमाए। मुझे फौरी तौर पर 2 बंदे चाहिए, मैंने बगैर किसी तमहीद के कहा तो उसने तेजी से जवाब दिया। नाम बताएं। मैंने नाम बताए तो वो चंद लम्हे सोचते रहने के बाद बोला, मैं अभी आपको दोबारा कॉल करता हूं। उसने कहा तो मैंने फोन बंद कर दिया। वो नाम ही ऐसे थे कि जिन पर हाथ डालने से पहले कई बार सोचना पड़ता था। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसका फोन आया तो वो बोला, इन्हें लाने के लिए कुछ बंदे चले गए हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, वो बहुत जल्द आ जाएंगे। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। मुझे अब इनका इंतजार था। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था जब उस बिजनेसमैन को लाया गया। वो फरबा बदन और जन्नाटे और नाटे कद का था। उसकी छोटी छोटी हशहशी दाढ़ी थी, नए नक्श मोटे थे, उसकी आंखों में खास तरह की सख्ती थी। वो मुझे घूरता हुआ मेरे सामने आ बैठा। मैं उसकी तरफ देखता रहा और फिर बड़े सुकून से पूछा, तुम्हें क्या दिलचस्पी है कि तुम अपने ही मुल्क के खिलाफ हो रहे हो? कौन बहन, कहता है उसने भारी आवाज में इंतहाई गरूर से गाली देते हुए पूछा। मैं पूछ रहा हूं, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, तुम कौन हो ये बात पूछने वाले? उसने मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए हकारत से पूछा, जो बात पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, ज्यादा बकवास नहीं करो। मैंने सर्द लहजे में अपने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा। तो उसने मुझे हैरत से यूं देखा जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। क्या कहा तुमने? अभी तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि मुझसे यूं बात कर सके, तुम लफ्ज इसके मुंह में ही रह गए। मैं उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। वो लड़खड़ा गया, खून की एक धार उसके मुंह से निकली। वो भी सीधा भी नहीं हो पाया था कि एक जोरदार ठोकर उसकी पसली में मारी। वो फर्श पर लेट गया। फिर मैंने इसे ठोकरों पर रख लिया। हर ठोकर के साथ उसके मुंह से चीख निकलती। कुछ देर बाद वो बेदम सा हो गया। मैंने इशारा किया तो जुनेद के साथ एक दूसरे लड़के ने उसे खड़ा किया। मैंने इसे थोड़ी से पढ़कर कहा, अब पता चला कि मैं कौन हूं, लेकिन छोड़ो, जो सवाल किया है उसका जवाब दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों मुल्क दुश्मनी करूंगा? इसलिए कि तेरा बिजनेस दूसरे मुल्कों के साथ भारत से भी है। करो बिजनेस, किसने रोका है? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुल्क दुश्मनी में इस हद तक करो कि इसे खत्म करने की सोचो। ये कहते हुए मैंने जुनेद से कहा, एक छुरी और माचिस लाओ। वो बिजनेसमैन मेरी जानब हवनकू की तरह देखने लगा। पता नहीं मेरे चेहरे पर क्या करहतगी थी या क्या था, उसकी आंखों में खौफ फेंकने लगा। चंद लम्हों में मेरे सामने छुरी आ गई। मैंने इसे ले लिया और उसकी हथेली खोलकर दरमियान में गहरा जख्म लगा दिया। वो तड़पते हुए चीखने लगा। फिर मैंने माचिस से तीली लगड़ी, शोला जल उठा। मैंने इसकी हथेली को उल्टा किया तो खून टपकने लगा। इसी जख्म पर मैंने वो शोला लगाया तो वो मछली की मानन तड़पने लगा। छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, वो चीखने लगा था। तीली बुझ गई तो मैंने दूसरी चला ली। वो खौफ से कांपने लगा। मैंने जलती हुई तीली उसके सामने की और कहा, जब बम फटता है ना तो लोगों के जिस्म कटते हैं, जलते हैं। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि इंसानी बदन पर क्या असर होता है, कटने का
और जलने का। ये देखो, मैंने दोबारा तीली के शोले से उसकी हथेली को जलाने लगा तो वो तड़पने लगा। मैं बताता हूं, बको, मैंने हतम हुई तीली को एक तरफ फेंकते हुए कहा, मेरे साथ सिर्फ इतनी डील हुई है कि चंद गैर मुल्की मेरे पास रहेंगे, इसके एवज मेरी तजारत किसी रोक टोक के बगैर होती रहेगी। मुझे नहीं पता कि वो इधर क्या कर रहे हैं, मुझे तो अपने बिजनेस से गरज है। मैंने कोई मुल्क दुश्मनी नहीं की, उसे रोते हुए कहा, अभी तो तुम बहुत कुछ मानोगे, बताओ वो लोग कहां कहां पर हैं। मैंने पूछा, वो लोग 3 दिन पहले चले गए हैं, अब उनमें से कोई भी इधर नहीं है, मेरा यकीन करें आप। मैंने उनके बारे में हर एक तफसील बताने को तैयार हूं, उसे तेजी से कहा, तुझे पता है कि उन्होंने यहां पे बम धमाके करने हैं, बेगना इंसान को मारने वाले लोग, इस कत्ले आम में तुम भी शामिल हो। मैंने कहा तो वो हाथ जोड़कर बोला, मैं नहीं जानता। तुम बहुत कुछ जानते हो, सब बोलोगे। मैंने कहा तो उसकी आंखें फैल गईं। मैंने पास खड़े सरमद से कहा, इसे उन लोगों के हवाले कर दो जो इसका रेशा रेशा अलग करके हर रेशे से पूछेंगे, जब तक इसके बदन का हर उज्व न बोले उस वक्त तक इसे न छोड़े, ना इसे मरने देना और ना इसे जिंदा छोड़ना। जिस वक्त मैं ये लफ्ज कह रहा था, बिल्कुल उसी वक्त एक दराज कद हसीना को कमरे में लाया गया। बिलाशुबा वो एक हसीन औरत थी, सफेद रंग, स्याह घने गहसू, मुनासिब जिस्म, भारी सीना, तीखे नए नक्श, लंबी गर्दन, खुले गले का लिबास पहने, उसे नाइटी में ही उठा लाए थे जिसमें उसकी पिंडलियां तक साफ दिखाई दे रही थी। उसके पांव में कुछ नहीं था, मैंने उसे सर से पांव तक देखा। उसके चेहरे पर वहशत थी, वो फटी फटी निगाहों से फर्श पर पड़े बिजनेसमैन को देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये बंदा इस हालत में भी हो सकता है। लड़की उसके सामने चीखते चिल्लाते मिनते करते हुए बिजनेसमैन को घसीट कर ले गई। तभी मैंने उस सोशल वर्कर औरत से कहा, बैठो बीबी, जो पूछा जाए उसका जवाब दो। नहीं दोगी तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हाल भी इस बिजनेसमैन जैसा हो। मैं तब नहीं समझी तुम लोग क्या चाहते हो। मैं कौम की खिदमत कर रही हूं जिसका सिला यू बदतमीजी से दिया गया है। मुझे स्लीपर तक नहीं पहनने दिए गए और उठाकर यहां ले आए हैं, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? उसे तेजी से चीखते हुए एहतजाजी लहजे में कहा तो मैंने बोला, हाँ ये आखिरी बात तुमने ठीक की है कि क्या चाहते हैं। तो सुनो, कब से मुल्क दुश्मनी कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों करूंगी मैं मुल्क दुश्मनी, ये मेरा वतन है। और मैं, बकवास बंद करो और ये बताओ कितने गैर मुल्की हैं जिनके साथ तुम्हारी डील है? डील क्या मतलब? मेरी एनजीओ का मुआहदा है कुछ आलमी तंजीमों के साथ, वो लोग यहाँ के कल्चर, सकाफत और गुरबत पर काम कर रहे हैं। वो लोग यहाँ आते हैं और मैं उन्हें हर तरह की सहूलत फ्राहम करती हूँ, इसके एवज वह हमें अदायगी करते हैं। कितने मुल्कों से आए हैं? कई मुल्कों के नुमाइंदे हैं, उसे लापरवाही दिखाते हुए जवाब दिया तो मैं चौंक गया। तुम जानती हो कि जब बम फटता है तो जलते भी हैं लोग और उन्हें जख्म भी आते हैं, मर भी जाते हैं, बेगुनाह लोग जिनका कोई कसूर नहीं होता। मैंने ये कहते हुए छुरी उठा ली। उसने होफजदा अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोली, क्या मतलब? मैं समझाता हूं। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा और कलाई से एक गहरा जख्म लगा दिया। वो बेतहाशा चीही, गालियां बकने लगी। मैंने उस पर ध्यान दिए बगैर माचिस से तीली जलाई और जख्म वाली जगह को शोले से जलाने लगा। वो माही भी आप की मानत तड़पने लगी, वो गालियां भूल गई थी। उसके चीहों से जैसे कमरा भर गया। तीली बुझ गई तो मैंने नहीं जला ली। वो हजियानी अंदाज में चीखने लगी, क्या चाहते हो तुम लोग? उन सब की तफसीलात जिन्हें तुम सहूलत फराहम करती रही हो। मैंने कहा, मैं बताती हूं, उसे तेजी से कहा तो मैंने जुनेद को इशारा किया कि वो इसे भी यहां से ले जाए, और वो उसे भी वहां से ले गए। उस वक्त मेरा दौराने खून तेज हो गया था, मैं खुली फिजा में जाना चाहता था। मैंने एक कप चाय का कहा और छत पर आ गया। इस वक्त पो फट रही थी, मैंने छत पर आकर गहरी गहरी सांसें ली। मुझे अपने आप पर काबू पाना था। चंद लम्हे टहलते रहने के बाद मैं छत के फर्श पर बैठ गया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने अहतमाम को पहुंचा।